Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, डेफिनेटली क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आने वाला है. ऑब्वियसली क्या आ जाएगा जिससे आप बेहद खुश होंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो आप हमेशा जान के रखिए कि दिस इज ऑलवेज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshina1369 एंड ऑल्सो फॉलो मी बाय द सेम ID ऑन थ्रेड्स. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार का कार्ड, राइट, लेडी ऑफ द स्टार्स, प्रिस्टेस ऑफ द सीरियस. ओके, सो कहीं ना कहीं पे सन जो है सीरियस माना जाता है. सो स्पेशली बेसिकली ऐसा हो रहा है कि सन एंड स्टार्स का कम्बिनेशन का कार्ड है ये. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट कार्ड. ओके, वी डू हैव द पोर्टल ऑफ लाइट. ओके, उस तरह से 10-10 पोर्टल जैसा है, मैंने उसका रीडिंग कर दिया है. अगर 10-10 पोर्टल आपने नहीं चेक किया है, आप चेक कर सकते हैं. सो पोर्टल ऑफ लाइट और लेडी ऑफ द स्टार्स, सो बेसिकली सन एंड द स्टार्स हैव कम. ओके, अगेन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है आपके जीवन में. स्केल्स ऑफ बैलेंस, एंशिएंट तंत्र ऑफ द सोल. ओके, वी डू हैव पास्ट लाइफ, प्रेजेंट पावर. ठीक है, ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है. मिरेकल ऑफ आइसिस, मिरेकुलस हीलिंग ऑफ द गॉडेस. सो आइसिस को माना जाते हैं जस्ट लाइक इन इंडिया वी से माँ अम्बे माता, दुर्गा माता. सो इन इजिप्ट ऑल्सो, इन ग्रीस ऑल्सो, राइट, दे से एस लेडी आइसिस, हु इज द गॉडेस, मदर गॉडेस. तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव डिवाइन सिस्टरवुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट. अच्छा, इसको भी देख लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. एक बार देख लेते हैं इसको. तो यहाँ पे ना लियो है, यहाँ पे एक्वेरियस है, यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक लिब्रा इज देयर, वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस इज देयर. ठीक है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है. तो यहाँ से हम देख लेते हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या मिरेकल्स आ सकते हैं, यहाँ पे मिरेकल ऑफ आइसिस ही है. ग्रेट. So we do have the message of concern. The number is 14. यहाँ पे है message, दो बार messages हैं यहाँ पे. I hope you can see. Okay. यहाँ पे है bad health. Don't worry. Marriage. Okay. High honor. Sudden wealth. Bottom of the deck. Main female. So this is also the high priestess card. This is the empress card. This is the chariot card. ठीक है, this is like the death card, like death and new beginning. This is the justice card. ठीक है, तो चल शुरुआत करें. ओके, यहाँ पे साइंस को लेके इतना मत कंसर्न रहना. ठीक है, तो चलो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आपसे कोई, मतलब आपने उम्मीद रखना बंद कर दिया था उस कनेक्शन में, चाहे वो कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई सीरियस अफेयर रहा हो, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप रहा हो, चाहे वो कोई अप्रूवल ऑफ लोन रहा हो,
चाहे वो एम्बेसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, वीज़ास रिलेटेड कुछ हो सकता है, एनीथिंग। शायद आपने ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि आपके जो मार्क्स है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वो मार्क में आपका हो जाएगा, स्कोर्स में आपका हो जाएगा, अगर आजकल के समय पे कट ऑफ रहता है, राइट? व्हेनेवर आई हैड गिवन द नेट, आई सॉ एंड आई क्वालिफाइड। सो आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं शायद आपको नहीं पता, बट ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई हायर अथॉरिटी से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मेल पर। अगर आप चेकआउट करने जाओगे तो शायद किसी भी एम्प्लॉय को नहीं भेजा गया होगा। ये सिचुएशन मैंने भी अपने लाइफ में फेस किया है, बट वो जो मेल है, मुझे नहीं लगता है कि वो मेल आपको कोई वार्निंग या इंटीमेशन के लिए दिया जा रहा है, बट ऐसा हो सकता है आपको कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोला गया है। सो हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के मैरिज शायद फिक्स हो गया है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बाई सम गिफ्ट्स। हो सकता है कुछ गिफ्ट खरीदो आप अपने बेस्टी के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए पहले से ही कुछ गिफ्ट पार्सल कर दो, या स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन की शादी हो रही, नो, तो उसमें आप गिफ्ट भेजोगे तो पर्स वो भी भेज सकते हैं लोग आजकल, इतना दिल दरिया है। तो सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट, ये आपकी भी मैरिज फिक्स हो सकता है कई जगह पे, और आप बहुत ही बैड फेस से हो सकता है अभी जा रहे हैं, मतलब आपकी सिचुएशन जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, मे बी ना हो कि आपकी फैमिली में किसी का हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वरीड है, चिंतित है कि अगर कुछ हुआ तो क्या हो सकता है, अगर इमरजेंसी प्रोसेस हुआ तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी, शायद रिश्तेदार बहुत दूर है, कुछ ऐसा हो सकता है हुआ होगा कि आपका कुछ लोन अमाउंट जो है वो अप्रूव तो हुआ, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो जगह से और भी पैसा का डिमांड आ रहा है, मे बी आपको भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा आप खर्चा करने गए तो वहाँ पे आपको फंड की शॉर्टेज हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिचुएशन भी निकल जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस जो पेंडिंग थे आपके ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट और फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड करोगे, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी सन का ट्रांजिट आपके चार्ट में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोगों के चार्ट में, आपके चार्ट में सन का ट्रांजिट, या हो सकता है कि मे बी लाइक जुपिटर ट्रांजिट हो सकता है, उसके वजह से बहुत कुछ सहायता आपको मिलेगा। प्रोफेशनल फेलियर से जो आप गुजर रहे थे, एंड डेफिनेटली द अप्रूवल, हो सकता है सैंक्शंस वो भी हो जाए, और किसी को आपने शायद विश्वास किया था लेकिन वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया बेसिकली, सो आपने शायद उम्मीद रखना छोड़ दिया था, एंड यू थॉट कि नहीं हो पाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन यू कैन सी 1177777 अलॉट। बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है रूलेट व्हील जो कैसीनो में रखा जाता है, और इसको अपने लक से ही ये घूमता है। बेसिकली यू कैन स्टार्ट लाइक इन्वेस्टिंग ऑन सर्टेन यू कैन से स्कीम जो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, और मैं नहीं बोल रही कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे रहा है, बट हाँ अच्छा खासा स्कीम में शायद आप इन्वेस्ट करने वाले हो और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आई डू फाइंड कि आपके पास हो सकता है कि ऑलरेडी कोई रिश्ता आ रहा है, बट यू आर स्टिल नॉट रेडी, या आप जिनके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन ले रहे हैं अपने लिए, तो वो रिश्ता आपके लिए हो सकता है कि फिक्स हो जाए। सो बेसिकली यू हैव टू डिसाइड नाउ होम टू मैरी होम टू नॉट। तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ फंक्शंस आपके घर में होते हुए, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि आपका जो हिडन टैलेंट है सिर्फ आज का नहीं है, वो बहुत पुराने सालों से, अगर आप रीबर्थ प्रोसेस को बिलीव करते हो, ठीक है, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आपको बहुत अच्छे से फाइनेंस हैंडल करना आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आता है, अगर आपको बहुत अच्छे से संगीत आता है, नृत्य आते हैं, कहना कहीं पे एक्टिंग स्किल्स है आपके अंदर, आप बहुत क्रिएटिव प्रोफेशनल है, लेकिन आपने उतना कुछ नहीं सीखा था, ट्रेनिंग इतना नहीं हुआ था,
तो आप जान के रखिए आपके जो पास्ट कर्म है, जहाँ पे आपने काफी मेहनत किया था, अभी इस जन्म में आपको कम मेहनत में ही वो फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इट इज वेरी मच कन्फर्म्ड कि आपको यहाँ पे एफर्ट्स शायद मिनिमम, पर सब लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे एफर्ट्स मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम सक्सेस आपके लिए आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता होगा कि वो ऐसा सक्सेस ऐसा कैसे मिल रहा है, मैंने भी तो ट्राई किया था, मैंने भी तो इस तरह से किया था, लेकिन पुनर्जन्म के जो एक मतलब पहले जन्म में हमने जो किया होता है कर्म, वो भी तो इस जन्म में इम्पैक्ट आता ही है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है इस बात को या नहीं, बट येस, बिकॉज कर्म इज लाइक एन अकाउंट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ऑफकोर्स अगर आपने लास्ट जन्म में या लास्ट टू लास्ट वट एवर आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करके रखा है, बहुत ज़्यादा काम करके रखा है, तो इस बार का लक तो आपके फेवर में होगा। हम ऐसा ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया, उसका ये हो गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया, वो बहुत इन्फ्लुएंसर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि अगर सही में है तो दिस इज़ ड्यू टू द कर्म। क्योंकि अचानक से आप देखोगे कि अचानक कुछ रील्स वायरल हो जाते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, कि उसी तरह से आपके जीवन में भी अचानक आप देखोगे कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इवन सोचा भी नहीं था, आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, आप एग्जाम्स दे रहे हो और क्लियर हो रहा है, वो चीज़ है, लेकिन आपने शायद एफर्ट नहीं किया था, आपका शायद उस फील्ड में कम ही चीज़ था, लेकिन आपने किया होगा, बट ये सबके लिए नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आपके थे, लेकिन ऑटोमेटिकली दैट इज़ गोइंग टू गेट वैनिश। हो सकता है कि किसी का योग ऐसे बनता है कि किसी के साथ शादी या किसी के एंगेजमेंट होने से ही उसका प्रमोशन, उसका अच्छा हेल्थ ऐसा बन जाता है योग, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है अगर हम एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करें। सो उस तरह से हम दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होने के बाद या आपकी मैरिज होने के बाद, जो वट एवर, आपके एंगेजमेंट होने के बाद या आपके रिलेशनशिप किसी ऐसे स्पेशल पर्सन के साथ रखने के बाद, ठीक है, मैरिज इज ऑलवेज लाइक यू नो वट, इट्स लाइक अ कंस्टिट्यूशन ऑफ टू फैमिलीज बेसिकली। सो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपकी ग्रोथ, सैलरी इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद मैं बोलते ही जा रही हूँ बिकॉज एनर्जीज आर फोर्सिंग मी टू स्पीक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फोटोशूट पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट डिफरेंट पोज में, और आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ आपके पास आएगा और आप अगर उसको हैंडल नहीं कर पाए तो हो सकता है आपको खुद को आप, हो सकता है कि आप ब्लेम दो या टेंशन भी करो, ले लो, उस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद द डिवाइन सिस्टर वुड कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऐसे संस्था, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कम्युनिटी, कुछ ऐसा रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, जहाँ पे आप उसके हिस्से बनने वाले हैं, ठीक है, और वहाँ पे शायद आप सिर्फ अकेले नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मिल बांट के काम करेंगे, जहाँ पे जेलसी कम होगा, तो ये आदर स्पिरिचुअल हो सकता है कम्युनिटी, या हो सकता है कि मे बी मेडिटेशन कैंप हो सकता है, मे बी एनी टाइप ऑफ जिम और क्लब समथिंग, जहाँ पे सब लोग कोई जेलसी के थ्रू आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, या एंगर इश्यूज हो, या कुछ ग्रीड हो, टेम्पटेशन हो, नहीं, वहाँ पे एक प्योर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहा है। सो ये तभी संभव होते हैं जब सब लोग अपने आप को सेम पेज में समझते हैं, वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी सी मोर यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में, क्या आते हुए दिखाई दे रहा है अनएक्सपेक्टेडली एंड विद अ मिरेकल। देखो यहाँ पे भले ही यहाँ पे बैड हेल्थ है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस कार्ड स्पीकिंग अबाउट, इट्स अबाउट द मिरेक्युलस हीलिंग ऑफ द गॉडेस। मैंने आपको जैसा बोला है कि अचानक आप देखोगे कि ट्रीटमेंट का जो इश्यूज था, अगर कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट कुछ भी हो, उसका काम देना, जैसे मेडिसिन हमेशा ना काम नहीं दिखाते, उसका असर नहीं दिखाता है,
तो वो उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा. यस व्हाई नॉट. सो आपके जो भी ऑरा है, सो लाइक यू नो व्हाट, आप यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स, यू आर सराउंडेड बाय फेरीज. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई डैमेज नहीं कर सकते, कभी भी हार्म नहीं कर सकते, आपके कभी भी कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड लाइक अ बाउंड्री. जहाँ पे आपको पता है कि एक बाउंड्री सीमा जो होता है उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सीमा जो है कहीं ना कहीं पे इट इज़ सराउंडेड बाय डिवाइन एनर्जी. ओके, बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. सब कुछ मानसिक, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, एवरीथिंग. यस मैजिशियन, यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर हिस्ट्रीज. ठीक है, मोर माइलस्टोन्स, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. आप हिस्ट्री क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो. विद द चेंज ऑफ सीजन, जैसे सब लोग के अंदर परिवर्तन होता है, कुछ लोग मैटर्निटी इशूज, अगर आप फर्टिलिटी इशूज से गुजर रहे हैं तो वो भी तकलीफ दिखते हुए, मतलब बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ हार्ट रिलेटेड इशूज, कुछ मे बी विजन रिलेटेड इशूज, वो भी इट्स गोइंग टू बी आउट फ्रॉम योर लाइफ, बाहर जा रहा है. लेकिन बार बार ही मैं बोल रही हूँ, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. किस से प्रोटेक्टेड हो आप? कोई भी गलत इरादे वाले इंसान जो आपको बेसिकली कुछ गलत जगह पे लेके जा सकता था, बट वो हो नहीं पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. अच्छा, इफ यू कैन वेट, आई कैन गो फॉर द क्यूब्स. थोड़ा क्यूब्स देख लेते हैं. देखा, आज इजिप्शियन कार्ड में पिरामिड भी आ रहा है. यहाँ पे कुछ एंशेंट आपके पास आ सकता है, चाबी भी आ, लॉक भी है. ठीक है, सो सारे प्रॉब्लम्स के जो जड़ है आपके घर में, आपके घर, आपके दो न्यू हाउस, देयर कैन बी अ न्यू हाउस परचेज. ठीक है, या ओल्ड हाउस परचेज भी हो सकता है, पर शायद आप उसको रेनोवेट कर ही लोगे. कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, यू विल बी स्माइलिंग. यस, जादू की झड़ी, यहाँ पे मैजिशियन था ही यहाँ पे. देखा, जो आपको मतलब गलत इरादे से फेक लोग, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो, आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा उनको. ठीक है, बिना जांच पड़ताल किए, बिना कोई भी चेकिंग या वेरिफिकेशन बिना करके डोंट प्रोसीड, आगे मत बढ़ो. ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड